गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू होप यू आर वेल सो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने वर्क को आज सेशन फोर्टी हमारा डेली वोकेब्लरी का है गुड मॉर्निंग नीलम निशी राविन पिंकी सीमा पिंकी शर्मा अंजू एकता पैजन जायरा वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कोटेशन ऑफ द डे लाइफ इज सच अ ग्रेट अ टीचर दैट व्हेन यू डोंट लर्न अ लेसन इट विल रिपीट इट समझ रहे हैं तो लाइफ बच्चों कैसी है <laughs> इसका मीन्स हो गया कि अगर हम किसी गलती से नहीं सीखते हैं तो वो बार बार रिपीट होती है यानी वो हमें लेसन सिखा के ही छोड़ती है यह हम किस में देख रहे हैं बच्चों हमारी कोटेशन में तो हमें एक ही बार में सीख लेना चाहिए ये इस लेसन का मीन्स है जी विक्रांत वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति गुड मॉर्निंग नीलम वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो आज का वर्ड सबसे पहले हम लेते हैं पेंसिव तो पेंसिव अगर हम सोचें तो इसका मीन्स बच्चों क्या बनता है जैसे आप वर्ड देखते हैं ना मिलेन कॉलिक मिलन कॉलिक या बच्चों आप देखते हैं थॉटफुल है ना थॉटफुल तो ये कहीं ना कहीं पेंसिव से मिलते हैं पेंसिव मूड हमारा बनता है जी बिल्कुल ठीक है निशी यानी आप यहां पे देखेंगे अगर हम इन चार वर्ड्स में से देखें सबसे पहले हम देखें पेंसिव को क्या ये रिलेक्टेंट है अनहैपी है है या फिर कंटेपरेटिव है इनमें से आपको सोचना है बच्चों जीरो गुड मॉर्निंग सब, भी, सब भी आप वेरी गुड मॉर्निंग तो सब बच्चों को बताना है कि पेंसिव अगर हम इन चार में से देखेंगे तो बच्चों हमारा क्या बनेगा वोट शुड बी द आंसर देयर क्या आंसर हमारा होना चाहिए इन चार में से अगर हम चेक करें तो एवरी वन नीड टू टेल ओके ओके ऑल राइट डी आंसर कह रहे हैं कुछ बच्चे डी कह रहे हैं ठीक है जी बी और डी ऑल राइट तो बच्चों ध्यान से देख के आपको बताना है कि वोट शुड बी द आंसर अनहैपी देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे पेंसिव अगर मैं कहूं तो ये थॉटफुल होता है और थॉटफुल जब हम कहें द टाइम वी से थॉटफुल इट मीन इट इज कंटेम्पलेटिव तो बच्चों ये क्या बनेगा हमारा कंटेम्पलेटिव बनेगा राइट एवरी वन तो इट शुड बी कंटेम्पलेटिव इट शुड बी कंटेम्पलेटिव इज दैट क्लियर टू एवरी वन तो हम इसे बच्चों कंटेम्पलेटिव बनाएंगे तो so, आंसर हमारा क्या बनेगा बेसिकली कंटेम्पलेटिव हाँ जी इसमें इमेज थोड़ी गड़बड़ हो रही है लेट मी सी व्हाट इज व्हाट हैपन टू दिस एक बार बच्चों इसको इमेज को ठीक कर लेते हैं थोड़ा तो बिल्कुल ठीक है बच्चों आपने सही बताया है कि इट शुड बी कंटेम्पलेटिव तो आंसर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहां पर आंसर वी सी करेक्ट कंटेम्पलेटिव यानी कि इट इज नॉट अनहैप्पी रिलेक्टेंट प्रेसेस अगर ये कंटेपलेटिव ना हो तो बच्चों हमारा आंसर अनहैप्पी होगा बी वन लेकिन अभी हमारा क्या है थॉटफुल यानी कंटेम्पलेटिव कंटेम्पलेटिव पर्सन होता है जो कंटेम्पलेशन करता है कंटेम्पलेशन का मीन्स होता है सोच विचार करना कंटेम्पलेट करना राइट right, बच्चों सोच विचार करना बहुत गहराई में जाना अगेन एंड अगेन सोचना सेकेंड वर्ड देखो नार्सिसिज्म बताइए इसका मीन्स बच्चों क्या बनेगा वोट शुड बी द मीनिंग ऑफ नार्सिसिज्म कैसे आप डिफाइन करेंगे नार्सिसिज्म को क्या ये अनप्लेजेंट बिहेवियर है क्या ये सेल्फ एडमायरेशन है सेल्फ कंटेमिनेशन है या रूड बिहेवियर है जी किरण गुड मॉर्निंग ने बी आंसर दिया है सेल्फ एडमाइरेशन ओके ठीक है निहाल सी कह रहे हैं ओके ठीक है बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर होना चाहिए आपका ऑल राइट सी कुछ बच्चे सी करें कुछ बी करें ध्यान से देखो मैंने इसको बच्चों कैसे बनाया नार्सिसिज्म यानी नारी आप इसे नारी से बना लो नारी जो होती है वो क्या करती है वो अपनी अपनी ही क्या करती है बड़ाई करती है अपनी ही एक तरह से एडमायरेशन करती है वो क्या करती है बच्चों एडमायरेशन के आई एम द बेस्ट आई एम द ब्यूटिफुल ऐसे बना लेंगे इसको तो सेल्फ एडमायरेशन आंसर बनेगा तो आंसर बच्चों इसका क्या होगा सेल्फ एडमायरेशन यानी ऐसा पर्सन जो अपनी ही बड़ाई करे अपनी ही एडमायरेशन करे अपनी प्रेज करे हाँ तो आंसर बच्चों क्या होगा यहां पे बी बनेगा सेल्फ एडमायरेशन नार्सिसिज्म नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा ही होता है हाँ लव ऑफ सेल्फ

बच्चों कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है इसको भी समझ लें इसका मीन्स होता है डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट का मीन्स है डेथ सेंटेंस से यानी कि मृत्यु दंड देना तो बताओ बच्चों क्या आंसर बनेगा आपका इसके अकॉर्डिंग द टू एक्जीक्यूशनर अगर आप देखें अगर आप बच्चों किंग लियर को देखें तो किंग लियर एंड हिज डॉटर लास्ट में जो कॉर्डेलिया होती है इन दोनों के लिए एग्जीक्यूशनर भेजे जाते हैं एग्जीक्यूशनर इनको पकड़ के अंदर लेके जाते हैं कॉर्डेलिया को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है लेकिन किंग लियर उस एग्जीक्यूशनर को मार देता है ये लास्ट है उसका तो देखो इन एग्जीक्यूशनर को क्या कहेंगे डी कहेंगे बिल्कुल सही है निहाल सीमा नीलम रीना अंजू बहुत अच्छे इसका है दोज हु मीनिट कैपिटल पनिशमेंट जो फांसी देने का काम करते हैं डेथ सेंटेंस देते हैं बिल्कुल ठीक है ज्योति किरण तो याद आ रहा है सब बच्चों को किंग लियर में हम लास्ट में देखते हैं एग्जीक्यूशनर का खेल फोर्थ नंबर ही इज वेरी इंटेलिजेंट बल बट ill favored by nature मतलब नेचर से कैसा है इल फेवर्ड है यानी कि इल जो होती है या इविल जो होती है वो उसको ज्यादा फेवर करती है इसका मतलब अनलकी वीक इन हेल्थ शॉर्ट टेंपर्ड या बच्चों अगली क्या बनेगा हमारा आंसर अगर हम किसी को इल फेवर्ड कहें तो क्या बने शॉर्ट टेंपर्ड एग्जैक्टली बहुत अच्छे देखो समझ रहे हो आप बातों को तो ऐसे ही आंसर निकालने हैं हमें नहीं पता है तो भी इसका मतलब है कि शॉर्ट टेंपर्ड और बच्चों अगर मैं कि लाइन में सेंटेंस के होने से तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वर्ड को उस पूरे सेंटेंस से कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने से जल्दी जो एंग्री हो जाता हो अपना कर देता हो फाइव नंबर पीपल टू पे होमेज टू द डिपार्टेड लीडर है ना एक लीडर को जो डिपार्ट हो गया था उसको पे किया तो बताओ होमिज क्या है श्रद्धांजलि तो आपने देखा ना श्रद्धांजलि देने जाते हैं श्रद्धांजलि गांधी जी को श्रद्धांजलि देने गए हैं राजघाट पे या फिर इंदिरा गांधी को या फिर अदर्स को तो उसे बच्चों हम कहते हैं ट्रिब्यूट आंसर आपका बी बनेगा बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर बेटर हेल्थ वी मस्ट रिफ्रेन फ्रोम स्मोकिंग एक बात इतनी बड़ी है कि रेफ्रेन फ्रॉम या बच्चों में कह दू आपसे मैं आपसे कह दू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोहिबिट फ्रॉम प्रोहिबिट फ्रॉम है ना एक ही मीन्स है लगभग तो रिफ्रेन मना करना प्रोहिबिट मना करना है ना क्या आंसर बनेगा डिस बच्चों कर्ब या फिर प्रिवेंट बताइए सी आंसर लग रहा है लेकिन इसका ध्यान से देखो इसका आंसर बच्चों डेसिस्ट है डेसिस्ट रिफ्रेन को अगर आप जोड़ेंगे डेसिस्ट से जुड़ेगा इसका आंसर बी बनेगा अब देखो डिफरेंस क्या हुआ इधर देखेंगे सब बच्चे रिफ्रेन होता है ज्यादातर किसी बुरी आदत से बुरी बात से बुरी आदत से घृणा करना या उसको बंद करना जबकि जो प्रिवेंट है इसको देखो प्रिवेंट प्रिवेंट बच्चों कभी भी लीगल नहीं होता या इसके पीछे कोई अथॉरिटी नहीं होती रोकना तो है ये बुरी चीजों से लेकिन कैसा है कि आप रोको या ना रोको आपके ऊपर डिपेंड करता है है लेकिन रिफ्रेन में मतलब कंडीशन बनती है कि आपको रोकना ही रोकना है जैसे लिखा होता है ट्रेन में प्रिवेंट फायर आग रोको लेकिन बच्चों अगर आप नहीं रोकोगे मतलब आप डर गए पीछे हट गए नहीं रोकोगे तो ऐसा नहीं कि कोई केस हो जाएगा लेकिन यहां पे देखो स्मोकिंग की अगर आपने आदत नहीं छोड़ी तो आप पे केस भी हो सकता है आपको दो सौ रुपये जुर्माना दे सक दिया जा सकता है तो आंसर क्या बनेगा डे से यानी कि प्रिवेंट से ज्यादा बेहतर डेसिस्ट है और डेसिस्ट अगर ना हो तो प्रिवेंट आंसर बन जाएगा राइट right, बच्चों तो ये एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखेंगे और ये जो ऊपर प्रोहिबिट फ्रॉम है प्रोहिबिट क्या है बेसिकली इसमें गवर्नमेंट पावर होती है है ना प्रोहिबिशन कहते हैं जिसे कहते हैं हम निषेध होना निषेध तो हमेशा क्या लिखा होता है स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड यानी कि यू हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेवन नंबर आर्टिकल वॉज सो वेल रिटर्न इतना अच्छा लिखा गया आर्टिकल था मेरिटेड केयरफुल स्टडी यानी कि उसकी केयरफुल स्टडी की नीड पड़ी तो बच्चों मेरिटेड का है डिजर्व एनकरेज सपोर्टेड या प्रोमोटेड बताइए क्या आंसर निकालेंगे आप इससे देखो वर्ड है मेरिटेड सेवन का ए आपने कहा है भावना ज्योति ने सी कहा है ओके ठीक है ही ना ए और बच्चे बताएं नीलम ने सी कहा है ओके ठीक है निहाल ने ए कहा है तो बिल्कुल सही है निहाल की बात मानते हैं और बच्चों डिजर्व होगा मेरिट आप देखो मेरिट में जो ऊपर होता है मेरिट मेरिट में ऊपर होता है तो उसको क्या डिजर्व मानते हो प्रोमोटेड मानते हो आप डिजर्व मानते हो ये बंदा मेरिट में ऊपर है तो इसको डिजर्व मानेंगे तो देखो आर्टिकल वो सो वेल रिटन दैट इट मेरिटेड यानी कि इट डिजर्व केयरफुल स्टडी तो आंसर बच्चों क्या बनेगा मेरिटेड का डिजर्व होने से डन एवरी वन अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चों ए ओ एल बहुत बार पूछा गया वर्ड है एक वर्ड होता है गोल जी ओ एल गोल का मीन्स होता है बच्चों लक्ष्य लेकिन गेउल का मीन्स क्या होता है सब बच्चे बताएंगे डेस्टिनेशन ओके ठीक है जेल रीना ने जेल कहा है ये वर्ड अच्छा लग रहा है तो बच्चों जेल होता है गेउुल का मीन्स है का गेउुलीन्स क्या होता है आपका जेल समझ रहे हैं सब बच्चे बिल्कुल सही है नीलम जी निहाल करेक्ट बात है सबिया करेक्ट हो गया रूबी भावना वेरी गुड तो ध्यान से देखो जरा सा फर्क है गोल लक्ष्य आपका जबकि गेउल बच्चों होता है जेल आपने जानते हो क्या आंसर दे दिया डेस्टिनेशन क्यों दे दिया क्योंकि आपने इसको गोल समझ लिया है उसने इतना बढ़िया बनाया कि आपने फट से इसमें आंसर मारा है और अपना एक नंबर भी जोड़ लिया और खुश भी हो गए कि आई एम डन नाउ है ना यही आप आगे भी एग्जाम में कोशिश करेंगे लेकिन ध्यान रखना है गेहुल का बच्चों जेल होता है 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 कर सकते हैं हैं अगला देखो कहते ना है। ये पर्सन बड़ा लोथ जैसा है तो लोथ जैसा किसे कहते हैं आप लोथ वाले पर्सन से आप खुशी खुशी मिलेंगे या उसे घृणा करेंगे बताओ जरा मुझे उसे ही लोदिंग कहते हैं वाम या बच्चों हंड्रेड परसेंट बच्चोंटर्ड बनेगा अगर कोई लोथ जैसा पर्सन होता है तो हम उसे घृणा करते हैं लोथ की तरह से बैठा है देखो कुछ काम नहीं कर रहा है लॉदिंग का मतलब है घृणास्पद घृणा के लायक घृणा से भरा हुआ अब देखो बच्चों अगला नोशन कहते हैं हम ये कहते हैं ना इट्स अ नोशन ऑफ आवर विलेज ये हमारे विलेज की नोशन है <clears throat> या हम ऐसी मतलब ऐसी इसको कहते हैं हिंदी में अवधारणा और अवधारणा बच्चों माइंड से बनाई जाती है हम अपने आप ही अवधारणा बना लेते हैं तो बताओ इसे फैक्ट कहेंगे हाइपोथेसिस या थॉट कहेंगे अच्छा ज्योति अगर हाइपोथेसिस बच्चों देखें सुनो सब लोग हाइपोथेसिस जो होता है हाइपोथेसिस के पीछे कुछ फैक्ट होते हैं ये फैक्ट बेस्ड होती है हाइपोथेसिस हम ऐसे ही नहीं बनाते जैसे हम किसी पर्सन कहते उसकी हाइपोथेसिस ऐसे है नोशन जो होता है बच्चों Notion जो होता है वो किसी फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती अवधारणा होती है खाली अवधारणा नोट हाइपोथेसिस, तो आंसर इसका ए बनेगा बच्चों बिल्कुल सही है सृष्टि नीलम दीपा समझ पा रहे हैं सब बच्चे सीमा तो आंसर इसका क्या बनेगा नोट अगर मैं बच्चों कह दू यहां पर मैग्जिम देखो कितने बड़े हैं मैग्जिम कह दू मैं आपसे मैं आपसे बच्चों कह दू एक्म कह दू है ना एक्सियम और मैक्सिम आपकी हाइपोथेसिस बनाएंगे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि वो प्रोवर्ब टाइप में होती है। उनको बहुत बार यूज किया जा, जा चुका होता है पहले मैं आपको बता देता हूं तब आंसर देना सब बच्चे ए यू एन टी एन टी एल होता है बच्चों चुनौती चैलेंज इसको चैलेंज कहते हैं लेकिन कब जब हम कहते हैं थ्रू अ चैलेंज का मतलब है थ्रू अ चैलेंज का मीनस है गिव सॉरी थ्रू अ गोंटलेट का मीनस है गिव अ चैलेंज किसी को चैलेंज देना चुनौती देना लेकिन बच्चों अगर मैं ये कहूं यहां पे रन द गोंटलेट इसका मीन्स क्या बनेगा लेश विद गोंटलेट रन अवे विद गोंटलेट फेस क्रिटिसिज्म या एक्सेप्ट इसका मतलब है कि आप जी समझ में आई सब बच्चों को बात तो आंसर आपका क्या बनेगा सी बनेगा इसमें अगला देखो रेस्ट ऑन वंस ओर्स रेस्ट ऑन वंस ओर्स बच्चों देखा आपने पतवार टाइप का होता है पतवार टाइप इसे कहते हैं तो पतवार पे ही रेस्ट करना इसका मतलब क्या हुआ क्या आंसर बनाएंगे सब लोग बताइए वोट शुड बी द आंसर देन सब बच्चे ध्यान से देखें इसका आंसर बनेगा टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग लंबे काम के बाद में बच्चों रेस्ट करना तो आंसर आपका ए जाएगा तभी आप क्या करते हैं ओर्स पे रेस्ट करते हैं पतवार पे रेस्ट करने लगते हैं ठीक है जी तो आंसर हमारा क्या बन गया ए अगला देखो ज्वाइन द मेजोरिटी कल इस वर्ड को बच्चों से पूछा भी गया था है ना कल हमने इस वर्ड को देखा था थर्टीन ज्वाइन द मेजोरिटी तो मेजोरिटी ज्वाइन करने का मीन्स क्या बना ऑन द साइड ऑफ मेजोरिटी टू डाई अ टर्न कोट या बच्चो द मेजोरिटी क्या आंसर करेंगे आप टर्न कोर्ट या फिर देखो ध्यान से देखने में हमें क्या लग रहा है बच्चों ऐसा लग रहा है देखने में कि ऑन द साइड ऑफ मेजोरिटी हो या हैव द मेजोरिटी हो लेकिन बच्चों ये आंसर इसका नहीं है बेसिकली इसका आंसर क्या है आपका टू डाई क्योंकि मेजोरिटी जो होते हैं वो मरने के लिए तैयार होती है ऐसे कह दो आप मेजोरिटी हाँ कितना बड़ा डिफरेंस है देखो आप शायद ही इसका टू डाई लगाओगे लेकिन बच्चो इसका आंसर जो बनता है वो आपका टू डाई बनेगा एवरीबडी गॉड दिस तो ये होती है हमारी इडियम्स फ्रेजेज कितना बड़ा डिफरेंस है ज्वाइन द मेजोरिटी बहुमत को ज्वाइन करना का मतलब है टू डाई मरना राइट बच्चों अगला देखेंगे फर्स्ट फोर्टीन वोश डर्टी लेनिन इन पब्लिक लेनिन का मीन्स होता है अपने कपड़े आपके कपड़े लॉन्ड्री अपनी डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में धोना इसका मतलब क्या हुआ बच्चों बी बी और टू नहीं हाँ जी हाँ जी बी पे आंसर है बच्चों तो बताओ इसका मीन्स क्या बनेगा और टीन का बी कह रहे हैं कुछ बच्चे समझ में आ गया आपको यानी कि अपने कपड़ों को पब्लिक में धोना इसका मीन्स है टू मेक पर्सनल पब्लिक है ना सारे अपनी बातों की पोल खोल देना सबके सामने उसको कर देना तो इसे कहते हैं डर्टी लिनन इन पब्लिक राइट बच्चों अगले पे आते हैं ऑगियन ऑगियन ऑजियन स्टेबल्स ऑगियन स्टेबल्स क्या मीन बनेगा टू रिमूवन एविल टू क्लीन द स्टेबल्स या बच्चों प्लेस ऑफ फोर्सिस स्टेबल्स फॉर ऑजियन Horses क्या आंसर करेंगे हम 15 का ऑजियन स्टेबल्स क्या मींस बनेगा बच्चों रीना <coughs> और एटसेट्रा ने ए आंसर दिया है वेरी गुड ऑजियन स्टेबल्स बच्चों ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ड शायद ही आपने देखा हो और हमें पता भी नहीं है तो कैसे ऐसे वर्ड का आंसर करें ये आपको चेक करना है हाउ टू आंसर दिस हां जी बच्चों बताइए तो अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो बच्चों इसका मीन्स बनता है टू रिमूव एन इविल फर्स्ट नंबर पे जाएंगे ए आंसर है काफी बच्चों ने इसका जवाब भी दिया है तो आंसर हमारा क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट वन द वेरी फर्स्ट टू रिमूव एन इविल इविल को रिमूव करना गेटिंग एवरीवन क्या सब बच्चों को मिल गया है आंसर आंसर बनेगा हंड्रेड परसेंट बिल्कुल बट सबसे बड़ी बात यह देखना है कि जैसे बातियन टेबल नहीं हो सकता आपको पता है बच्चों वो stable, वो stable होता है S -T -A -B -L -E, है ना स्टेबल होता है क्लीन द स्टेबल कोई बात नहीं है तो बच गया हमारा बच्चों तो मतलब उसको सेंसेस में लाना है बस आपको किसी भी तरह से अगला देखेंगे नंबर एट द हैम ऑफ इसका मीन्स बच्चों क्या बनेगा द टाइम वी से एट द हेम ऑफ हाउ वुड यू आंसर का मीन्स है एट द हेम ऑफ समथिंग है ना क्या इसका मीन्स बच्चों होगा एट द हेम ऑफ द शिप या एट द मेन सिचुएशन इन द सेंटर ऑफ या बच्चों इन द सेंटर ऑफ द शिप बी एग्जैक्टली बिल्कुल सही है एट द मेन सिचुएशन आपको बनना पड़ेगा इसी कहते हैं एट द हेम हेम ऑफ का है बेसिकली सिचुएशन या जो भी कंडीशन वहां पे मौजूद है एग्जैक्टली exactly बच्चों बहुत अच्छे एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड इसको तो बड़ी आसानी से बता देंगे सब बच्चे द कॉज ऑफ कंटेंशन सोर एपल क्वारल या फिर फाइट फॉर एन एप्पल क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर द टाइम वी से एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड तो इसका मीन्स आप क्या बनाएंगे हां जी सेवेंटीन का ओके ठीक okay, है एन एप्पल ऑफ डिस्कोड अच्छा देखो ध्यान से भाई डिस्कोर्ड क्या है झगड़ा तो आपने डिस्कोर्ड से आंसर दे दिया <coughs> लेकिन क्या लिखा इसको बच्चे कहते हैं झगड़े की जड़ झगड़े की जड़ इसी को हम कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन बोन बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं बच्चों समझ में आ रही है बात है ना तो आंसर बनेगा ए कोज ऑफ अ कंटेंशन समझ में आ गई सब बच्चों को cause of इसको कहेंगे तो आंसर आपका a, बनेगा। मतलब सब बच्चे ध्यान से देखें एन ऑफ डिस्कोर्ड का आंसर हम फट से सी लगा सकते हैं क्योंकि वो फिट बैठ रहा है लेकिन करेक्ट जाएगा ए क्योंकि इसमें कोज भी आपको दिखाना पड़ेगा ये भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा राइट बच्चों अगला देखो 18 कोल सोट कॉल वन शॉर्ट मतलब वन के शॉर्ट को कॉल करना यानी उसे बुलाना कि भाई चलो शॉर्ट करो इसका मीन्स क्या है मेक इंटेंशन क्लियर कॉल विद शूट एट अ कॉल या फिर टू शो डिटर्मिनेशन एटीन का ए आपने कह दिया सृष्टि ठीक है कॉल वंस शोट ओके ठीक है साक्षी बच्चों जब हम कहते हैं कॉल वन शॉट का मतलब है गोली मारने के लिए तैयार हो जाना है शॉट के लिए तैयार उसे कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ज्योति रीना ही हीना उसको कहते हैं टू शो शो करना कि भाई अब मैं गोली मार ही दूंगा चलो गोली मारते हैं खत्म बात है ना तो कहेंगे कॉल वन शॉट इसका मीनस टू शो डिटर्मिनेशन राइट बच्चों तो आंसर आपका क्या बनेगा डी यहां पर अब इसको देखो फ्यू एंड फार बिटवीन फ्यू एंड फार बिटवीन क्या आंसर बनेगा वेरी स्मॉल इन नंबर वेरी स्मॉल इन डिस्टेंस स्मॉल इन क्वांटिटी या बिटवीन नियर एंड फार यस बच्चों 19 का बी आपने बता दिया है सृष्टि ओके फ्यू एंड फार बिटवीन मजेदार बात देखो बच्चों फ्यू जो होता है वो फ्यू किसके लिए आता है नंबर के लिए क्वांटिटी के लिए आप मुझे बताइए फ्यू नंबर के लिए आता है बच्चों या क्वांटिटी के लिए आता है पहली बात आप मुझे यह बताओ क्वांटिटी के लिए आता है आपका लिटिल एम आई राइट और नॉट नोट नंबर के लिए तो फ्यू का मतलब फ्यू एंड फार क्या हो गया वेरी स्मॉल इन नंबर तो ए जाएगा आंसर बच्चों आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे ए बनेगा ना कि क्वांटिटीज बल्कि ये नंबर के लिए होता है फ्यू पीपल आर देयर फ्यू यानी कि ऐसा एडजेक्टिव फ्यू अ फ्यू द फ्यू जो नंबर्स के लिए यूज होंगे तो आंसर बच्चों आपका क्या है ए स्मॉल इन नंबर संख्या में कम ट्वेंटी फोर्स एन इशू किसी इशू को फोर्स करना तो क्या मेक एन इश्यू फोर्स ए डिसीजन सॉल्व एन इशू या ब्रिंग एन इशू अगर हम इशू को फोर्स करते हैं फोर्स एन इश्यू किसी के ऊपर तो इसका मतलब बच्चों हम उसे क्या कर रहे हैं <coughs> हां जी बिल्कुल सही आंसर जा रहा है बच्चों आपका फोर्स डिसीजन किसी डिसीजन को फोर्स करना किसी के ऊपर तो जब मैं कहता हूं कि फोर्स एन इश्यू इसका फोर्स अ डिसीजन एक डिसीजन को फोर्स करना कि भी डिसीजन ये है इसी को मानो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है बच्चों वो फोर्स करता है एन इशू वो एक issue को फोर्स करता है सीधे सीधे भाई इसको मानो खत्म बात और हमें नहीं पता तो आंसर क्या हो गया आपका बी फॉर बॉम्बे द साल्ट अब देखो इसमें बच्चों क्या भरना है आपको फिलिंदी ब्लैंक्स भरना है इन सबको देखते हुए मैंने ये सोचा है कि इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा जैसे द सोल्ट स्प्रे द सॉल्ट हैज ग्रेजुअली डे डेस डेस द ब्रिज तो यहां पे इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा स्पॉइल्ड डिमोलिस्ड रेवेस्ड या बच्चों इरोडेड <coughs> 21 का बी ओके रेवेस्ड ठीक है और बच्चे बताए डी आपने बताया संगीता भावना अंजू समझ पाए हैं बच्चों देखो अगर हमारी कोई चीज जैसे चट्टान है ये चट्टान पे यहाँ पानी हल्का हल्का गिरता है गिरता है तो ये हल्के हल्के जो यहाँ से जाती है ना समय के साथ हल्के 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 उसे कहते हैं लॉन्ग टाइम में प्लेस करता है करना हल्का हल्का परत उतर उतर के गिरते रहना स्पोइल्ट स्पोइल्ट का मीन्स होता है उसे पूरी तरह से, से स्पॉइल करना डेमोलिश करना नष्ट करना रेवेज का मीन्स है उसे खोद बोद के खत्म करना लेकिन साल्ट स्प्रे जो होता है वो बच्चों इसको क्या करते है ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो होता है वो इरोडेड होता है समझ में आ रही है बच्चों बात बात आपको इरोडेड जो होता है वो आपका ग्रेजुअली ग्रेजुअली चलने वाला प्रोसेस है अब देखो ट्वेंटी टू बड़ी बर्बादी का कारण बना तो बताओ क्या वॉल्केनिक क्या होती है आउटब्रस्ट इरोजन इरप्शन या मूवमेंट बी बता रहे हैं बच्चे समझ में आ गया वेरी गुड बच्चों वॉल्केनिक इरप्शन होता है हमेशा इरप्शन है ना आपने जो देखा ना जैसे ये वॉलकैन है ये वॉल्केनिक है इससे ऐसे निकल निकल के बाहर लावा गिरता है ऊपर निकल के ऐसे बहता चला जाता है तो ये इरप्शन होता है बेसिकली इरप्शन इरप्शन इसको कहते हैं लावा का बहना है ना, कहलाता है ना कहलाता फटाक से फट के बाहर निकल के गिरता है है ना अगले पे आते हैं बच्चों अगला देखो इट वॉज इंपॉसिबल टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडीज एज द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वॉज कैसा था प्लेस ऑफ एक्सीडेंट मार्शी रॉकी इनएक्सेबल या बच्चों डिस्टेंट हम अगर विक्टिम की बॉडीज को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं इंपॉसिबल है तो इसका मतलब वो प्लेस कैसा है बी मार्शी ओके ठीक है पेजन ए भावना ने ए कहा है इनएक्सेबल बच्चों देखो इनएक्सेबल का मींस होता है एक्सेस से बाहर पहुंच से बाहर पहुंच से बाहर तो अगर हम बाकी को देखें चाहे वो मार्शी रोग की डिस्टेंट कुछ भी है इसमें वर्ड आएगा इनएक्सेसिबल इन वो पहुंच से बाहर था उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे करेक्ट आ रही है बच्चों बात समझ में एक्सेसिबल होता है अगर मैं एक्सेसिबल देखूं इसका होता है पहुंच में हमारी पहुंच में इनएक्सेसिबल हो जाएगा पहुंच से बाहर राइट बच्चों तो आंसर आपका बना ए इन ऑर्डर अब अगला देखो ट्वेंटी फोर इन ऑर्डर टू तो मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डाइट उसे कैसी डाइट खानी चाहिए स्पाइसी साल्टी रिच या बच्चों बैलेंस्ड अरे वाह इसका तो आंसर सभी बच्चों ने बहुत अच्छा कर दिया वेरी गुड सीधी सी बात है बच्चों हमेशा हमें कहा जाता है बैलेंस डाइट right लेनी है मतलब उसमें प्रोटीन भी हो उसमें विटामिन भी हो वाइटामिन भी हो उसमें बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो उसमें फैट सारी चीजें होनी चाहिए तब जाके आप गुड हेल्थ पाते हैं है ना लेकिन हम बच्चों क्या करते हैं स्पाइसी बढ़िया सा लेते हैं साल्टी ले लेते हैं साल्ट स्पाइसी चाउमीन हमें बहुत अच्छी लगती और ये बात ध्यान से देखो बैलेंस्ड वाली कभी अच्छी नहीं लगेगी बहुत मुश्किल है लेकिन जो बाकी है स्पाइसी ये वो वो यानी कि बुरी जितनी सबसे मस्त लगती है जैसे आप मैदा देखो मैदा तो मैदा सबसे खतरनाक है के लिए लेकिन बच्चों सारी चीजें इसकी बनती कितना मजा आता है खाने में चाहे वो समोसा हो चाहे कुछ हो चाहे कुछ हो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर 25 एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स वर फॉर द पोस्ट बहुत सारे हा बिल्कुल सही है नीलम तो बच्चों बताओ मेनी अनसुटेबल कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट तो वीकनेस ह्यूमेलिटी या बच्चों टॉलरेंस क्या आएगा एज ए रिजल्ट ऑफ फेवरेटिज या टॉलरेंस या बच्चों 25 का बी एग्जैक्टली सृष्टि ज्योति निशी हाँ चाउमिन भी है देखो सब बच्चे अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं जो आप लोगों को पसंद है गोलगप्पे पसंद है चाउमिन पसंद है है ना और बढ़िया मजेदार स्पाइसी सी मिल जाए उसपे रेड कलर की चटनी हो है ना ग्रीन कलर की चटनी हो तो मजा ही आ जाता है बिल्कुल करेक्ट बच्चों ये बी है बिल्कुल फेवरेटिज्म कल आपने इसी के लिए एक वर्ड पढ़ा था नेपोटिज्म बोलो आपको याद है कि नहीं नेपोटिज्म बताओ नेपोटिज्म क्या है बच्चों जी एग्जैक्टली exactly साक्षी तो बच्चों ये नेपोटिज्म भी, भी है भाई भतीजावाद अंधा बांटे रेड भी अपने अपने को दे भाई भतीजावाद एम आई राइट नॉट तो ऐसा ही है फिवरेटिस्म, बस फिवरेटिस्म है अपने घर वालों के लिए नहीं लेकिन अपने सगे संबंधी आसपास वालों के लिए दोस्त वगैरह के लिए हां जी करेक्ट बात बहुत अच्छे सब बच्चे देर आर सेवरल देर आर सेवरल वेज ऑफ डैश 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 द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड तो बच्चों बताओ देर आर सेवरल वेज

अगला देखेंगे बच्चों ट्वेंटी सेवन ऑल दो दे आर नॉट रिच हालांकि वो रिच नहीं है दे ऑलवेज वियर वो कैसे कपड़े पहनते हैं रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टेबल रेस्पेक्टिव या बच्चों रेस्पेक्टेड बताइए रिच नहीं है लेकिन कपड़े रेस्पेक्ट से भरे हुए पहनते तो कैसे बनेंगे वो सी बिल्कुल सही है निहाल भावना बिल्कुल सही है रेस्पेक्टेबल बनेगा बच्चों क्योंकि रेस्पेक्टुल पर्सन होता है एटीट्यूड होता है रेस्पेक्टिव भी हम यूज करते हैं इसी तरह से नाउन की तरह से और रेस्पेक्टेड बच्चों थर्ड फॉर्म है तो आंसर आएगा रेस्पेक्टेबल क्लॉथ्स ठीक है जी तो आंसर आपका respectable बनेगा बी बी वुड वुड शी द आंसर 28 को देखेंगे बच्चों आफ्टर रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक आफ्टर रिसेंट माइल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट्स आर एंटायरली रेस्ट्रिक्टेड जोड़ने का मीन क्या है बताओ इनमें से क्या बनेगा डी बिल्कुल सही है बच्चों स्लाइटली आएगा मतलब आंशिक तौर पर पूरी तरह से नहीं तो माइल्ड अटैक के बाद में उसके मूवमेंट स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड है वो कम चलता है धीरे धीरे चलता है ट्वेंटी नाइन पे आएंगे सब बच्चे द प्रिजनर वॉज रिलीज ऑन फॉर गुड बिहेवियर बच्चों गुड बिहेवियर पे कहाँ पे छोड़ते हैं उसे प्रोबेशन पे पेरोल पे बेल पे या बच्चों गारंटी पे बिल्कुल ठीक है प्रदीप हीना रूबी पिंकी नेहाल ओके ओके सी बिल्कुल सही है सृष्टि रोविन रेविन रीना अंजू साक्षी बच्चों बिल्कुल सही बात है पेरोल पेरोल का मींस क्या होता है जमानत ही तो होती है बट ये कैसी है बस गुड बिहेवियर के ऊपर है आपको जमानत मिल जाती है तो हम इसे पेरोल कहते हैं अगला देखेंगे थर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी राजीव इज टू एज एज फार राजीव इज टू एज फार एज हिज गुड हैबिट्स आर कंसर्न तो अगर बच्चों में थर्टी नंबर की बात कि राजीव इज टू टू एज फार एज हिज गुड हैबिट्स आर कंसर्न तो इसको क्या कहेंगे गुड हैबिट्स आर कंसर्न तो एंजोएल क्यूरियस फॉस्टिडियस या बच्चों इंटरेस्टिंग थर्टी का डी बनेगा ओके okay. बच्चों बी बनेगा एग्जैक्टली फास्टिडियस अगर मैं कह दू फूड किस किसमें आती है फास्टिडियस में यानी कि ऐसा पर्सन जो बड़ा ही तुनक मिजाज हो बच्चों, कैसा पर्सन हो तुनक मिजाज मतलब जिसे खुश करना बड़ा मुश्किल हो फूड के मामले में वो पर्सन रहता है फट से फास्ट रख लेता है अगर आप इसके पसंद की चीजें इसे नहीं देते आप बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को टेलीग्राम से और देखो आज का नया वर्ड है आपका विवेशियस क्या वर्ड है बच्चों आपका विवेशियस इसको आपको टाइप करना है इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है जी हाँ जी लाइक जरूर करें थैंक यू सो मच बच्चों आज इतना वर्क करते हैं कल फिर मिलेंगे इवनिंग में आज शाम को सेवन ओ और टुमारो इन दे 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 द मॉर्निंग एट एट फिफ्टीन जी थैंक यू सो मच बच्चों थैंक्स अ लॉट हैव अ ग्रेट टाइम